जूते मार के भगाएंगे हिंदुस्तान से। हाँ, फिजिकल मतलब असॉल्ट करेंगे। जूते जूते मार के भगाएंगे। आपको जाना चले जाइए, चले जाइए यहाँ से, जाइए यहाँ से, माइक को जाइए, निकालिए निकालिए, आपकी कोई आप जाइए, आप जाइए भाई, आप जाइए, अरे आप छोड़ दीजिए, जाइए जाइए, छोड़ दीजिए। आप ये कैसे कह सकते हो मैं काफिर हो गया? मैं काफिर? आप काफिर हो गए। सूरज पाल अमुक, बी क्वाइट, कीप क्वाइट, अंडरस्टैंड? माफी निकाल या निकल जाए, मैं कह रहा हूँ आप जाइए यहाँ से, आपने थोड़ी इनको जरा ले जाए यहाँ से, थोड़ी बुलाया आपने, थोड़ी बुलाया, मैं इनको लेके जाए यहाँ से। मैं अरे तू क्या मारेगी, तू क्या मारेगी मुझे, अरे तू क्या मारेगी, ये हाथ थोड़े के समय छोड़ दो। नमस्कार। तो आपने देखी न्यूज स्टूडियोज की ये डिबेट, या कहें तो तमाशे, जी हाँ, जहाँ पर लाइव पिटाई है, लाइव बेइज्जती है और लाइव इंसाफ भी हो रहा है। हम आज इस बारे में इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि पिछले कई दिनों से चर्चा हो रही है कैसे मौलाना के बारे में, जिन्होंने तीन तलाक पे कोई डिबेट हो रही थी और एक महिला के साथ मारपीट की, कई लोग बहस कर रहे हैं कि महिला ने पहले पिटाई की या पहले मौलाना ने पिटाई की, लेकिन बहरहाल जो हिरासत में लिया गया है वो पुलिस के जरिए मौलाना को लिया गया है। मैं आज आपको बताना चाहती हूँ, एक पत्रकार, एक एंकर की हैसियत से पिछले बहुत सारे सालों में, पूरी अपनी पत्रकारिता जीवन में मैंने जितने साल गुजारे हैं उसका 70-80% सिर्फ स्टूडियो में डिबेट करते गुजारा है, अगर हज़ारों भी ना सही तो सैकड़ों मैंने इस तरह की डिबेट्स की हैं। और यकीन जानिए, कभी भी किसी भी दिन किसी भी डिबेट में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी से तू मैं भी आपस में गेस्ट की, या गेस्ट या एंकर यानी कि मेरी, यानी आप ये सोचिए, पिटाई या हिंसा तो दूर की बात है, कभी आज तक तू मैं भी नहीं हुई, ना कभी आज तक मुझे अपनी किसी लाइव डिबेट को रोकना पड़ा। तो आखिर ये कौन लोग हैं, ये कौन से पत्रकार हैं, ये कौन से एंकर्स हैं, और ये कौन से गेस्ट हैं, ये कौन से चैनल्स हैं, ये कौन से स्टूडियो हैं जहां पर ये हिंसक जो वोकैबुलरी है, जो शब्दावली है, वो स्टूडियो से निकल रही है, और आखिर क्यों? ऐसा नहीं है कि स्टूडियो में जो ये हिंसा है, या स्टूडियो का जो ये ड्रामा है, या एंकर्स का एक मदारी के रूप में तब्दील हो जाना कोई नई बात है। इससे पहले हमने देखा है सांप सपेरों का नाटक, इससे पहले हमने देखा है स्वर्ग से निकलती सीढ़ियाँ, इससे पहले हमने देखा है भूतों के जो है वो तस्वीरें और भूतों पे बुनियाद करते हुए न्यूज़ शोज, ये सब कुछ धर्मांधता हमने देखी है, अंधविश्वास हमने देखा है स्टूडियो से निकलता हुआ, और इस पर तमाम तरह की चिंताएं भी जाहिर की गई हैं। लेकिन आज ये चिंता इस स्तर तक पहुँच चुकी है जहाँ ये समाज को बर्बाद कर रही है, समाज में हिंसा के वो बीज बो रही है, जहाँ हमें जो आदमी की कीमत है, उसके इंसान की जो जान की कीमत है, उससे हमें चुकाना पड़ रहा है। आप हैरान होंगे शायद, लेकिन मैं इस तरह से एक रिश्ता बनाना चाहती हूँ कि किस तरह से साफ तौर पर जो हमारे स्टूडियोज़ में हो रहा है, हमारे लिविंग रूम्स में बैठे हुए जो लोग देख रहे हैं, हर उम्र के लोग देख रहे हैं, और जो हमारी सड़कों पर हिंसक गतिविधियाँ हो रही हैं, किस तरह से इनका ये पूरा रिश्ता है। अब मैं आपको उदाहरण ये देना चाहती हूँ कि किस तरह से आप देख रहे होंगे कि लगातार जो है अब पिछले कुछ दिनों से तलाक, निकाह और ये तमाम मुस्लिम औरतों के इर्द गिर्द जो मसले हैं, मुस्लिम औरतों के और पुरुषों के इर्द गिर्द जो मसले हैं, वो लगातार स्टूडियोज से आपको नज़र आ रहे हैं। आखिर क्या पहली बार हुआ है आज़ाद भारत के इतिहास में कि मुस्लिम पुरुषों ने अचानक अपनी पत्नियों को तलाक देना शुरू कर दिया है? या फिर ये वाकई जो जेंडर जस्टिस के जो मुद्दे हैं, जो वाकई कि अब सिर्फ एक समुदाय तक सीमित हैं, कि महिलाओं को इंसाफ सिर्फ भारत में एक समुदाय को नहीं मिल पा रहा है? ये बहुत हैरानी की बात है कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि तमाम राष्ट्रीय मुद्दे खत्म हो गए हैं और अचानक जो है सिर्फ यही मुद्दे, मुस्लिम महिलाओं के इर्द गिर्द जो मसले हैं, सिर्फ वही राष्ट्रीय मुद्दे बन गए हैं। साफ तौर पर ये एक बड़े एजेंडा का हिस्सा है, आरएसएस का मुस्लिम वुमन प्रोजेक्ट। तो प्रधानमंत्री रैलियों में मुस्लिम महिलाओं के मुद्दों को उठाते हैं और न्यूज़ एंकर्स स्टूडियो में उठाते हैं। अगर मैं प्रोपेगेंडा भी ना कहना चाहूँ तो साफ तौर पर बीजेपी और नरेंद्र मोदी का जो पब्लिक रिलेशन जो मैकेनिज्म है, जो मशीनरी है, उस पूरी मशीनरी का हिस्सा न्यूज़ चैनल्स और स्टूडियो बन गए हैं। लेकिन इसकी एक कीमत है, हम साफ तौर पर ये देख रहे हैं कि किस तरह से स्टूडियो से जो बायसेस, जिस तरह की जो छवि निकल कर आ रही है मुस्लिम समुदाय की, जिसका एक बड़ा हिस्सा, जो बड़ा दोष है, वो इन सो कॉल्ड मौलानाओं को लेना होगा कि आखिर ये इन स्टूडियोज़ में क्यों जाते हैं। ऐसा लगता है कि बहुत नागवार होगी ये बात जो मैं अगली कहने जा रही हूँ, लेकिन ये कहना बहुत ज़रूरी है। ऐसा लगता है कि इन मौलानाओं का एक बाज़ार लगा है, एक बिक्री हो रही है, कि आखिर कितनी कीमत है, कितने में ये मौलाना स्टूडियो आ सकते हैं? इतने हज़ार में स्टूडियो आएंगे, उससे ज़्यादा कुछ हज़ार देंगे आप तो गाली खा लेंगे, उससे ज़्यादा आगे बढ़ेंगे तो पिटाई भी खा लेंगे, और उससे ज़रा आगे बढ़ेंगे तो हो सकता है जेल जाने को भी तैयार हो जाएं। अब आपने देखा हिरासत में बाकायदा एक मौलाना को ले लिया गया है। तो ये पूरे तरीके से जो एक नेक्सस है, एक
छोटी सी फेम के लिए, शोहरत के लिए या फिर कुछ पैसे के लिए मौलाना किस तरह से एक नेक्सस जो स्टूडियो में बैठे हुए एंकर्स हैं उनके साथ मिलाकर जो एक स्टीरियोटिपिकल जो इमेज बन रही है जिससे आम जो दर्शक है उसमें इस तरह की इमेज आती है एक खास समुदाय को लेकर कि ये भारत के कानून को नहीं मानते, ये भारत के संविधान को नहीं मानते, ये शरिया लॉ लागू करना चाहते हैं और धीरे धीरे जो नफरत है दरअसल ये जो स्टूडियो से निकलने वाली जो हिंसक शब्दावली है, जो एक वायलेंट वोकैबुलरी है, सीधे तौर पर ये इसका एक मैनिफेस्टेशन हमें सड़कों पर नज़र आ रहा है कि ये नफरत किस तरह से जब कुछ खास लोगों के हाथ में हथियार भी आ जाएं और ये प्रिविलेज आ जाए कि कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो ये नफरत हथियार के साथ मिलकर सड़कों पर लिंचिंग के तौर पर हमारे सामने आ रहा है। सरकार ये कह रही है कि उसके पास लिंचिंग के लिए कोई डेटा नहीं है, लेकिन हमारे पास डेटा है। बहुत सारे ऐसे न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन हैं, चाहे छोटे ही सही, बड़े बड़े जायंट स्टूडियोज़ नहीं हैं उनके पास, लेकिन वो आपको बता रहे हैं। इंडिया स्पैन का जो डेटा है वो ये बता रहा है कि किस तरह से 33 लोगों की लिंचिंग को लेकर अब तक हत्या हो चुकी है, जिसमें पिछले 2 साल जो हैं वो सबसे ज़्यादा खतरनाक साबित हुए हैं। तो सरकार के पास डेटा नहीं है, लेकिन जो पत्रकार हैं, जो अभी भी पत्रकारिता कर रहे हैं, वो आपको ये बता रहे हैं। अगर स्टूडियोज़ के पास भी इतनी फुर्सत उन्हें हो, इतना वो देखें, अगर वो मदारी बनने की जगह पत्रकार बनने की कोशिश करें, तो वो आपको ज़रूर बताएंगे कि देश में किस तरह से अभी कुछ महीनों बाद ही चुनाव होने वाला है, किस तरह से बेरोज़गारी है, भुखमरी है, नौकरियों की कमी है, विकास नहीं हो पाया है, लेकिन जो मुद्दे हैं स्टूडियो से वो साफ तौर पर हर रोज़ हर शाम हमें निकाह, हलाला, तलाक, इसके अलावा कुछ भी नज़र नहीं आता। तो वो पत्रकार जिनका काम ही है जनता के सवाल पूछना, आखिर उनसे कौन सवाल पूछेगा, उनसे जवाबदेही कौन मांगेगा कि उनकी जिस तरह की जिसे सो कॉल्ड पत्रकारिता वो कह रहे हैं उसका नतीजा क्या हो रहा है आम जनता के लिए। मैं अपनी पत्रकार बिरादरी को पत्रकारिता का ये धर्म याद दिलाना चाहती हूँ, पत्रकारिता धर्म उनको ये याद दिलाना चाहती हूँ कि आखिर उनका फ़र्ज़ क्या है, आखिर किस लिए उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई करके आम जनता के सवाल उठाने का वादा करके इस पेशे में आए थे। साफ तौर पर जो पत्रकारिता का जो कोड ऑफ एथिक्स है वो ये कहता है कि पत्रकारों को जो है पब्लिक इंटरेस्ट यानी जनहित जो है उसकी रक्षा करनी है। क्या हम जनहित की रक्षा कर पा रहे हैं? दूसरा महत्वपूर्ण बात है कि मानवाधिकारों को जो है केंद्र में रखकर पत्रकार पत्रकारिता करेंगे। साफ तौर पर हम देख रहे हैं पत्रकारिता न सिर्फ कि ये तो भूल जाइए आपकी मानवाधिकारों को केंद्र में रख के की जा रही है, बल्कि मानवाधिकारों के खिलाफ भारत में पत्रकारिता हो रही है। तीसरी बात कि जहां भी हिंसा या तनाव का माहौल बनता नजर आए वहां पेशेंस, रेस्ट्रेंड या फिर धैर्य से, सब्र से काम लेना चाहिए, यानी कि वो खबर जो सच भी हो और अगर आपको ये लगता है कि इससे तनाव या हिंसा फैल सकती है तो आप उसको दूर रखें। और यहां पर हमारी पत्रकार बिरादरी जो है दरअसल वो साफ तौर पर आग में घी डालने का काम कर रही है। और आखिरी बात कि कोई भी तथ्य न तो जोड़े जा सकते हैं, ना तोड़े मरोड़े जा सकते हैं और ना ही दबाए जा सकते हैं, ये तीनों चीज़ें हो रही हैं। नई तरह के जो हैं तथ्य, जो पोस्ट ट्रूथ जिस दुनिया में हम जी रहे हैं उसमें नए तरह के जो तथ्य हैं जिन्हें अल्टरनेट फैक्ट्स कहा जाता है, वो गढ़े जा रहे हैं, दबाए भी जा रहे हैं, तोड़े मरोड़े भी जा रहे हैं। द वायर के और वीडियोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।